आज ही के दिन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। इसी दिन खालसा नाम के पीछे सिंह लग गया। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया। 1796 में आज ही के दिन इटली की जंग में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। आज ही के दिन 1890 में भारत की पहली फिल्म श्री पुंडलिक का निर्माण करने वाले फिल्मकार दादा साहब तोड़ने का जन्म हुआ। 1919 में आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर ने शांति से चल रही उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। आज ही के दिन 1939 में भारत में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना यानी इंडियन रेड आर्मी का गठन हुआ। 1944 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ और न्यूजीलैंड के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। आज ही के दिन 1960 में फ्रांस सहारा मरुस्थल में परमाणु बम का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना। 1970 में आज ही के दिन चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हुए अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 13 के ईंधन टैंक में विस्फोट हुआ। आज ही के दिन 1980 में अमेरिका ने मॉस्को के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। 1984 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर पहली बार एशिया कप जीता। आज ही के दिन 1997 में अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी एल्ड्रिक टाइगर वुड्स 21 साल की उम्र में यूएस मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। गोल्फ का कोई बड़ा खिताब जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बने। प्रतियोगिता जीतने के बाद वुड्स ने कहा था कि अपनी जीत के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों को गोल्फ खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।